खबर आपको बता दें, खोले बोरवेल में गिरी 3 साल के मासूम की बच्ची। मासूम सौम्या को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है, ऑपरेशन जारी। मशीनों की मदद से की जा रही खुदाई, ऑक्सीजन पाइप से बच्ची को दी जा रही है ऑक्सीजन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सौम्या को बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है वहां पर और रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन जुटा हुआ है। सिंगरौली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम सौम्या को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है, मशीनों की मदद से खुदाई की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी तेजी से वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री के इस पर आदेश आ चुके हैं, बोरवेल को लेकर तमाम बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद खुले बोरवेल हैं कि ये बंद नहीं होते और बच्चे इसमें फिर से गिर गए हैं, एक बच्ची फिर से इसमें गिर गई है। और सिंगरौली से आशीष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, अभी क्या अपडेट है फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि अभी जो करीब 4 घंटे से लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, रेस्क्यू कर रहा है, पूरी मशीनरी यहां लगी हुई है और पूरा अमला, विधायक, अन्य लोग यहां पर हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस अधीक्षक सिंगरौली लगातार 4 बजे से ही यहां पर मौजूद है और रेस्क्यू कराने का ऑपरेशन जिला कलेक्टर की मौजूदगी पर हो रहा है। जी, बच्ची वहां पर कोई संपर्क हो पा रहा है बच्ची के साथ? कोई उसकी चहलकदमी दिखी है? बच्ची की तस्वीरें आ पाई हैं क्या अंदर से? नहीं, अभी तक तो बच्ची के अंदर से कोई भी तस्वीरें नहीं आ पाई हैं, कोई मूवमेंट नहीं आ पाया है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम से गाइडलाइन लेकर जो यहाँ एनडीआरएफ की टीम है उसके माध्यम से पूरी तैयारी अपनी जोर शोर से कर रहा है कि उस बच्ची को किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए। ये बोर किसका था, कितना गहरा, इस बारे में क्या जानकारी आशीष? जी, आपको बता दूं कि ये 8 साल पुराना बोर था, तो इस खेत के मालिक ने अपने ये खुदवाया था, लेकिन ये बोर वर्तमान में बंद हो चुका था, इसको ये बोर बंद पड़ा हुआ था। और आज बच्ची अपने पिता के साथ जब यहाँ आई और आने के बाद एक जानवर बकरी को चराने के लिए बकरी के पीछे पीछे गई और उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण वो बच्ची इस बोरवेल में गिर गई और उसके बाद से ही इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मतलब जो बच्ची गिरी है उन्हीं के पिता का ये खेत है, ये साफ हो गया है? जी जी जी। इसके अलावा अगर वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाए, वो बता सके कि कितना इसमें समय लग सकता है? जी, मैं मेरे साथ जिला कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ा ये मेरे साथ हैं जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये लगातार लगे हुए हैं, 4 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी सर, कितना समय लग सकता है इसमें? कितना समय लग सकता है? उम्मीद क्या की जाती है सर, आज उम्मीद क्या की जा सकती है? लगातार अपनी ओर से प्रयास किया जा रहा है सभी चीज। जी, आपने देखा थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम था, कलेक्टर ने क्या कुछ कहा एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए जरा। जी, जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला जी लगातार 4 बजे से ही यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मशीनरी के माध्यम से रेस्क्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। जी, ये कितने बजे के आसपास बच्ची गिरी? और क्योंकि अभी बारिश भी जगह जगह हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रही है, सिंगरौली में अभी मौसम कैसा है वहां पर? जी, ये बारिश का मौसम ही था, बच्ची अपने पिता के साथ खेत में आई थी, साथ में आज उस मासूम का जन्मदिन बता बता रहे हैं, और अपने पिता के साथ वो यहाँ पर आई थी और बच्ची खेलते खेलते अचानक इस बोरवेल में गिर गई। ये ऐसा आभास पिता को भी नहीं था और ये अचानक ही ऐसी घटना घट गई थी। तो अभी इसमें समय पता चल पाया है और डॉक्टर्स वहां पर होंगे, वो कुछ इस मामले पर कह पा रहे हैं कि क्या बच्ची की कोई मूवमेंट है वहां पर? हमारे साथ पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री निवेदिता गुप्ता जी हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कैसा प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा फोन उनके पास ले जाइएगा ताकि आवाज आ सके उनकी। प्रयास बहुत जोर शोर से जारी है, लगभग खुदाई हो रखी है, बस मैनुअल खुदाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। तो आप हेलो,
जी तो आप आशीष कितनी खुदाई होनी है, कितनी खुदाई अब तक हुई है, इस बारे में क्या जानकारी है? जी अभी जो खुदाई हुई है वो 40 के करीब हो चुकी है। बगल से भी खुदाई करके बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो गहरी खुदाई की जा रही है, मशीनरी के माध्यम से गहरी खुदाई की जा रही है और यहाँ पूरी तरह से बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, ऐसी संभावना है कि नीचे इस गड्ढे में पानी भी हो सकता है और वो बच्ची के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि बारिश का ये मौसम है? संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीचे पानी हो सकता है, क्योंकि बरसात का समय है, गड्ढे में पानी हो सकता है और किसी अप्रिय घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरह से बच्ची को रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, परिवार वालों के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल समय है, लेकिन अभी हमने इतने सारे मामले देखे बच्चों के बोर में गिरने के, उसके बावजूद ये खुले में बोर यहाँ पर हैं, तो इस पर ध्यान नहीं दिया कभी परिवार ने? शुक्रिया आशीष आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे और हमारे सहयोगी वहां पर, उन्होंने कलेक्टर से और पुलिस अधीक्षक से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी अभियान जारी है वहां पर और कितना समय लगेगा इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। और अगली खबर श्योपुर से है जहां मगरमच्छ के हमले में घायल बच्चे